हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ वरिष्ठ के यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका वरिष्ठ के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमने पास्ट फाइव यानी करंट अफेयर्स का शो स्टार्ट किया था, जिसमें कि आप जो आपसे यानी कि फाइव क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। और आज के जो एपिसोड नंबर 16 यानी 16 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज के टॉप फाइव करंट अफेयर्स कौन कौन से हैं। In October 2020, which of the following state has approved 33% in reservation for women in state civil services? यानी कि अभी हाल ही में किसी स्टेट ने जो है 33% महिलाओं के लिए 33% आरक्षण रिजर्व किया है, आरक्षित किया है। किसके लिए? स्टेट सिविल सर्विसेज, जो राज्य लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होगी उसमें। तो कौन सा स्टेट है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, जहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट है, वहाँ के सीएम है। इन अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स फर्दर इम्प्रूवमेंट ऑफ वीमेन, द पंजाब गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 33% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन स्टेट सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर द एराडिक्शन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? आपको बताना है जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है या गरीबी उन्मूलन दिवस है, प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17 अक्टूबर, यानी 17 अक्टूबर को आज ये डे सेलिब्रेट किया। वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल डे है। तो देखते हैं इसके बारे में। इंटरनेशनल डे फॉर द एराडिक्शन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 17th ईच ईयर सिंस 1993। तो 1993 से इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये आज के दिन मनाया जाता है। क्या है ये? इंटरनेशनल डे फॉर द एराडिक्शन ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी उन्मूलन का के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस गरीबी से उन्मूलन के लिए। In October 2020, who among the following has been appointed as International Weightlifting Federation interim president? जो अंतरिम अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशन आयोग, यानी आयोग वेटलिफ्टिंग जो होती है, तो वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का अंतरिम अध्यक्ष किसे चुना गया है? इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का इंटरिम प्रेसिडेंट कौन है अभी, या किसे इलेक्ट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर माइकल ईरानी। माइकल ईरानी को इसका प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया गया है। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन IWF एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैज अपॉइंटेड डॉक्टर माइकल ईरानी एज IWF, यानी कि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन है, इंटरिम प्रेसिडेंट। October 2020, which of the following companies had signed a pact with Gujarat government to set up a greenfield zinc smelter in the state? तो इनमें से किसने समझौता किया है गुजरात सरकार के साथ, किस लिए? To set up a greenfield zinc smelter in the state. जो greenfield है, हरे जहाँ पर खेत है वहाँ पर zinc smelter एक कारखाना खोला जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता ग्रुप का है। तो वेदांता ग्रुप फर्म है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हैज साइंड अ पैक्ट विद गुजरात गवर्नमेंट टू सेट अप अ ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर प्लांट एट दोसावाड़ा इन तापी डिस्ट्रिक्ट। तो तापी जिले में इसको खोला जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का। इन अक्टूबर 2020, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू डिलीवर अ किलो क्लास सबमरीन। तो ये किलो क्लास एक टाइप है सबमरीन का, जो सबमरीन होती है उसका क्या नाम है इसका, INS सिंधुवीर, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एज पार्ट ऑफ डिफेंस कॉपरेशन। तो ये किस कंट्री को जो है यहाँ पर डिलीवर की जा रही है ये INS सिंधुवीर, किसके लिए? डिफेंस कॉपरेशन के एक पार्ट है उसके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो ये INS सिंधुवीर का तस्वीर है, उसकी इमेज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू डिलीवर अ किलो सबमरीन INS सिंधुवीर टू म्यांमार नेवी एज पार्ट ऑफ डिफेंस कॉपरेशन। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एपिसोड नंबर 17 में, जिसमें डिस्कस करेंगे कल के यानी 18 अक्टूबर के टॉप 5 करंट अफेयर्स। थैंक यू।